भाई यहाँ पे तो एपिक सीन्स हो गए, देख सकते हो भीड़। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मिकलेद, यू आर वाचिंग डब्ल्यू डी ग्रेस, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम कि मैं आज राइड के लिए सबसे पहले रेडी हुआ हूँ। अभी थोड़ा बादल सूख जाए उसके बाद एकदम सट्टे सट्टे रेडी होते हैं और सभी आ रहे हैं मेरे घर पे, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड के लिए। सभी आ जाएं उसके बाद निकलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है। आपको भी बताते हैं कि कौन कौन आएगा, सबको आपसे मिलाते हैं और आज थोड़ा मजे होने वाले हैं। आज तो मतलब कतई मजे कर देंगे भाई। जो जो लोग आज नहीं आए ना उनको दिखाऊंगा मैं कि देखो आज हम लोगों ने ये किया था। तो ऐसे कुछ है आज का सीन। बाकी थोड़ा अभी सब कुछ मेरा सामान रख गया है, मतलब कि हेलमेट रेडी है, सामान रेडी है, कैमरा वगैरह तो चार्ज है पूरा। और पता नहीं क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया, मतलब मैं सोया भी नहीं। मैं आई थिंक 3 बजे के आसपास सोया था और सुबह 5 बजे जग गया हूँ। 2 घंटे का बस की नींद लिया हूँ और दिन भर मेरा काम है। आज राइड पर आना है, राइड से फिर घर आके कहीं और जाना है। फोन आ गया अंकित भैया का। हेलो, मैं उठ गया भैया, रेडी हो गया हूँ मैं, ठीक है दिखाऊं? देख लो, आ जाओ घर, आओ मेरे घर पे। चलो हो जाए, आ जाओ पीछे। ये देखो कौन आ गया। आवाज आपको बाहर के नज़ारे दिखाता है। शुभम की बाइक यहीं पे खड़ी हुई थी आज, क्योंकि वो यहाँ छोड़ गया था पता नहीं क्यों, तो मैंने चेन लिंक वगैरह सब कर दिया, बाइक रेडी है चलने के लिए। पिछली बार जब गई थी तब कुछ दिक्कत हो गई थी इसमें, अब नहीं होगा। टच वोट ऐसा कुछ लगा है इसका। सुबह सुबह देखो यार कितना प्यारा मौसम है। सीरियस अब सीन कुछ ऐसा है, कोई आया नहीं, हम लोग बस मतलब मैं और भैया आधे घंटा हो गया हम लोग को वेट करते हुए मेरे घर में से हम लोग, और कोई भी नहीं आया अभी तक के। तो हम लोग आ गए हैं चाय पीने यहाँ पे पोहन शेड में। देखो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो फर्स्ट तो आ गया था, भैया भी आ गए थे और हमारी एंट्री। जैकेट कहाँ है? So you guys, we are right now in the meetup point. ऐसा कुछ लाइनअप है, अभी 2 बाइक्स और आ रही है, शुभ्रनील और प्रांजल और आ रहे हैं, तो उनका ही वेट है। बाकी फिर निकल रहे हैं राइड के लिए। शुभम भी आ रहा था लेकिन उसने दगाबाजी कर दिया सुबह सुबह। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे घोघरा फॉल्स निवास के पास वाला। कुछ 2 साल हो गया होगा यार गए, तो बस वहीं के लिए निकलते हैं। गाड़ियाँ बहुत सारी चल रही है तो थोड़ा आप लोग को शोर होगा, लेकिन जो भी है मस्त है यार। ये मौसम बहुत प्यारा है, ये देखो अभी जब जहाँ से जाएंगे ना उधर का लोकेशन देखना, इतनी प्यारी लोकेशन है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, अब लोग आ जाएं, कुछ अच्छा सा कोई शूट वगैरह करते हैं और मिलते हैं आपको मोटर व्लॉग में। भैया मैंने पहले ही बोला था चलो हमारे साथ, चलो लेट मूव। अपन जा रहे हैं घोघरा फॉल वाला। बहुत सारे राइडर्स आए थे एक बार, बहुत सारे लोग गिर गए थे कई बार। तुम लोग घोघरा पहुंच जाओ, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। नहीं आराम से चलेंगे। अरे भैया बड़े हो गए यार। Blame it on me.
you're just too scared to be lonely. No one's safe from the Reaper. क्या ही खूबसूरत है यार ये तो ना मॉनसून राइड करने का यही मजा है हर तरफ हरियाली ना धूप ना कुछ बस कभी कभार बारिश पड़ जाती है तो उसका मज़ा अलग ही होता है लेकिन ये जो खूबसूरती है ना आप लोगों को मॉनसून में ही मिलेगी और भैया मॉनसून पहली राइड कैसी लग रही अरे गरम है गुड हाँ तो मैं ये बात कर रहा था मैं मानसून में राइड करने में यही मजा है कि अच्छा मौसम रहता है गर्मी नहीं रहती इसलिए बार बार सूखी आती है ये टायर के पीछे चल नहीं सकते यार हाँ बहुत लग रही है हाथों में भी अरे शौक में कितना प्यार साउंड है सुनना ऐसे लेके जाना हाँ जा मैं देख रहा हूँ हाँ किसकी आप ही लेनी है आ जाओ आप चलो और वही चलो ना ओह भाई क्या ही खूबसूरती है यार अजब गजब स्मार्ट लग रहे हो यार स्मार्टी बॉय ओ बॉयज यार इतनी प्यारी जगह पे खड़े हैं ये देखो ये लोकेशन देखो यार गोरे गोले गाल तेले ताती पे ये डिटेन करवा के आया है इधर शक्ल तो दिखा भाई काला हो गया भाई काला आपको पहचान नहीं आ रहा होगा ये प्रांजल है भाई वो कल डिटेन करवाया है और टैन होके आ रहा है वाह भाई गजब तेरे भाई ब्लैक आउटफिट में आ रहा हूं इसलिए तो लग रहा हूं सच्ची में देख भाई ब्लैक मेरा भी है इतना मत देखो तो भाई इतना बस देखो यार देखो क्या ही नजारा है देखा क्या ये देखो करीबी क्या मेरी भी राइडिंग जैकेट फॉल अस्लीप विद द सायरन्स आउट दिस ब्लड ऑन माय हैंड्स समबडी सेव मी फ्रॉम भाई काफ़ी खूबसूरत थी जगह लेकिन अब जब हम लोग नेक्स्ट जो जाने वाले हैं वो तो और खूबसूरत है ये उड़ते हुए मेरे पास ही आएगा भाई मेरे को एम करके बैठा है हो गए गंदे बहुत सही आज हमने की 10 hour पे ऑफ रोडिंग क्या सेक्सी लग रही है लेकिन यहाँ से नज़र न लगे टच वुड ये देखो एक से एक लोग भाई हाँ मेरी गरीबी अलग है लेकिन मेरे को ना महंगी बाइक इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसी भीड़ लग जाती है भाई अपन खाएंगे भजिया उन लोगों को होने दो परेशान देखो हमारी यहाँ पे 18-19 lakh की पिकनिक टेबल पड़ी है यहाँ पे अपन ये सही है सुमरन लाल खाएगा सामने
बहुत महंगी प्लेट हो गई है ये तो। तो गाइस अभी हम लोग आ जाओ अभी नेपाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बस हम लोग नाश्ता कर रहे थे, बट एक चीज़ ना आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी अभी मेरे को पता चली, गाड़ी का नंबर देखो का नंबर पता क्या है, MP20ZB8610। अपनी MP15 का नंबर पता क्या है, MP20NX8610। भाई देख रहे हो कोइंसिडेंस भाई, चार ऑन टोपा भाई, चार ऑन टॉप यार, ZX हो गया, ZX 810 और ZX भी है, ZX 10R। भाई यहाँ पे तो एपिक सीन्स हो गए, देख सकते हो भीड़। तो चलते हैं वहाँ से। हाँ ये अब आएंगे पता नहीं, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया हम लोग ने वहाँ पे। काफ़ी सारे बच्चे थे यार, सबको लेकिन पता था कि वो ZX 10R आ रहा है। बहुत बड़ी बात है यार कि बाइक के बारे में लोगों को नॉलेज है, क्योंकि पहले तो यार हम लोग किसी भी मतलब ZMR को भी देखते थे तो हम लोग यही बोलते थे हायाबूसा हायाबूसा, ऐसे सीन होता था। आज के समय में यार सबको बाइक के बारे में पता है कि ये कौन सी बाइक है, तो ये चीज़ें देख के यार थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और एक अपना भी ड्रीम है, मतलब सुपर बाइक लेने का तो नहीं है लेकिन एक ADV लेने का है, तो वही एक दिन पूरा होगा और ऐसे ही हम भी घुमा करेंगे, लोग हमसे भी पूछा करेंगे। लेकिन यार एक चीज़ बुरी लगी, जितने भी मतलब लोग थे ना सब 10R को ही देख रहे थे। ये थोड़ा सा मतलब जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन लोगों ने थोड़ा गलत कर दिया है, क्योंकि उन लोग ने बस बड़ी बड़ी बाइकें दिखा के लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट किया है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इंसान ना छोटी बाइक से शुरू करने की जगह ना वो चाहता है कि मैं डायरेक्ट 10R लूँ। बाकी तो सब तो ठीक है, हमें क्या करना उससे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे निकल आए थे, 2 किलोमीटर कुछ का फ़र्क आ गया था, और यहाँ से सीधा सीधा जाके हम पहुँच जाएंगे अपने ओए डॉगी खुगारा फॉल्स। आई थिंक ये कुछ पोल है क्या, इसका स्टेबलाइजर तो गया आज वो भाई इसमें दिक्कत तो आनी है। अरे क्या कर रहे हो, बस गाड़ी चलाते नहीं आता है क्या, ये कहाँ चल रहे हो, ये कहाँ चल रहे हो, ये तो 4 लोग बैठ के चल रहे हो। भाई देखो अगर कहीं पे गाय क्रॉस कर रही होगी वो मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा, कुत्ता भी खड़ा होगा ना तो उसको भी प्रेडिक्ट कर लूँगा कि वो हिलेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन जब लड़की गाड़ी चला रही होती है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। पहले ही मेरे साथ केस हो चुका है, आज भी हो सकता था। तो भाई 4 कदम दूर रहना अच्छा है, मैं तो काफ़ी दूर था लेकिन उन लोग पास आ गए थे, खैर छोड़ो। और अभी बस हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, पहुँच गए। सेफ एंड साउंड यार, लेकिन अब ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं बाइक के, इशू है थोड़ा सा। अगले चलो ये देखो, ये देखो भाई ये राइड पे आए हैं, भाई लग ही नहीं रहा कि राइड पे आए हैं, मशीन गोबर रहेगा और हर जगह गोबर लगा उसकी गाड़ी में, शूज में, हर जगह गोबर। कहाँ कहाँ लगा गोबर, ऊपर गोबर कहाँ से लगा, गाड़ी में गोबर, नीचे भी नहीं लग रहा, ऊपर गोबर, गाड़ी में गोबर। तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं घुघरा फॉल्स में, जो कि यहाँ से मेन गेट है, मतलब मेन गेट वहाँ से था, फिर यहाँ से एंट्री है, काफ़ी सुंदर। यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, लोग ने कुछ चखना वगैरह मतलब चिप्स वगैरह भी रख लिए हैं, तो आप लोगों का खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। लेकिन यार अलग अलग जगह से यहाँ पे मेरे को ना पानी
से मतलब आप अगर देखोगे ना छोटी छोटी नहरें दिख रही हैं मेरे को आती हुई। और हम लोग ना मतलब हमेशा आते थे, मतलब आपको जैसा मैंने बताया कि हमेशा सूखे में आए हैं, पहली बार हम लोग ऐसे पानी में आ रहे हैं, तो अलग ही नज़ारा रहेगा। और आप लोग ना एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो पहाड़ वाला एरिया है ना, तो उसमें किनारे किनारे से ना पानी रिस के नीचे आता है, तो हर जगह पर आपके घास के पास और पत्थर के पास ना एक पानी की एक छोटी सी नहर स्प्रिंग टाइप की दिखेगी। भाई मैंने बोला था गाड़ी का कवर लेके चलते हैं, चलो मोटो ब्लॉग देखने हैं और गोप्रो के सीन्स देखने हैं, रास्ते का व्यू देखना है, वो देखिएगा क्रेज की आईडी पे। और मिल जाना मिल जाना मेरी आईडी पे आके। और अगर मेरा डब्ल्यू डी क्रेज। अब दिक्कत ये है कि बाइक के ऊपर खड़ी ना तो कोई उम्मीद ना करे। अरे युवराज कैसा तिरछा तिरछा हो रहा है, चकना भी है साथ में। अबे चिप्स का नाम क्या है? बेबो बेबो चिप्स, यस। दिस इज व्हाट आई नीड इन माय लाइफ। नहीं यार, अपन जब लास्ट में थे तब बन रहा था ये ना, हमने खाने होता। अभी ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मेरे को ना एक आइडिया आया है, ना मैं बाइक घुमा के वहाँ पे लेके जाऊँ। वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करेंगे ना तो बाइक वहाँ पे पहुँच सकती है। तो एक चलो एक एडवेंचर ये भी करते हैं। पर एक दिक्कत है छोटी सी, मेरी बाइक में नहीं लगे हैं क्रैश गार्ड। पूरा घुमा के यहाँ तक के बाइक ले आए हैं और काफ़ी यार मज़ा आया। पूरे में ऑफ रोडिंग थी, आप लोगों ने तो वैसे देख ही लिया होगा, लेकिन एक शॉट शुभल ने बनाया है तो वो मैं अटैच करूँगा, काफ़ी खूबसूरत बनाया वो भी। लेकिन ना मेरे को ये बैनियन ट्री जो है ना उसके नीचे जाना था, काफ़ी सुंदर लग रहा था वो भी। और पर ये क्या है, यहाँ से पानी से ना ये क्रॉस नहीं होता, तो मेरे को पूरा घूम के आना पड़ता, इसे मैं वहाँ पर भी नहीं गया। बट ऐसा तो नज़ारा है। एक चीज़ और है कि वहाँ से अगर देखें ना तो एक बहुत प्यारा झरना दिखाई देता है, तो एक चीज़ वो भी अभी मैं दिखाऊंगा कि आप बाइक यहाँ पे पार्क्ड है तो उसको भी देखना पड़ेगा अभी। लेकिन अभी सबको देख सकते हो आप,
कुछ वो खड़े हैं, कुछ ये बैठे हैं, ये अपने साथ ही नहीं है बट ये क्या होंगे, जैसे अंकित भैया वो बैठे, इन सबका अलग सीन चल रहा है और हम लोग का अलग सीन चल रहा है आज। तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग हो गई और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, ये यहाँ का फॉल है। तो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से और ये यहाँ का फॉल है, वहाँ थोड़ी आगे से मैं दिखाऊंगा तो काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखेगा। पर अपनी बाइक चेकआउट करो यार, क्या ही साइकिल है यहाँ पे खड़ी हुई। तो अभी मेरे को वापस चला के लेके जाना पड़ेगा इधर से ऐसा पूरा, तो वो बाद में कर ही लेंगे। तो यहाँ से अब चलते हैं, थोड़ा वहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पे ना पहले बहुत सारी दुर्घटना भी हो चुकी हैं जहाँ पे लोग इधर से गिर जाते हैं, तो मेरे गिर मत जाना। लेकिन जितनी बार भी आना बिल्कुल इतना मज़ा नहीं आया जितना इस बार कर रहा हूँ मैं। और आई थिंक मैं अपनी बाइक से पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, और देखो लोग चेकआउट कर रहे हैं, आए हैं सेल्फी हो रही पाजी। अभी यार कोने में तो नहीं खड़ा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा मेरे को कि ये अपग्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो ये रहा यहाँ का झरना, काफ़ी ही सुंदर दिखता है, स्टेट के पीछे है, तो मुझे वहाँ कहीं से जाके वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी। तो इतना आ गया तो वहाँ पे भी चल सकते हैं। ये नज़ारा देखो यार, क्या ही सुंदर है। हिमांशु यू आर मिसिंग आउट समथिंग। वहाँ पे ना नीचे जाने पे तो अलग ही लोग आते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं है कहाँ से नीचे जाते हैं, हम लोग जाएंगे भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि, और थोड़ा खतरा भी है, तो इसलिए मैं यहाँ ही पे बैठा हुआ हूँ, काफ़ी दूर है वैसे, देख और साउंड। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना चिल करते हैं, फिर उसके बाद रात घर ही निकलेंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि सभी को लेट भी हो रहा है। और वहाँ देख सकते हो वहाँ तो भाई साहब भीड़ लगी पड़ी है क्योंकि सबकी बाइक खड़ी हुई है और सब लोग बैठ बैठ के उसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। थोड़ा डर वाली चीज़ भी है पर क्या ही कर सकते हैं, अब हम लोग बाइक ही थोड़े देखते रहेंगे हमेशा, तो इसलिए मैं अपनी यहाँ पे ले आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बहुत एंडोरेंस चाहिए यार उसको चलाने के लिए। छोड़ दिया कहीं बस लगा ना यार। यो गाइस रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक के, बिकॉज मेरे गोप्रो की बैटरी जो है ना वो डाउन हो गई है, और ऐसा कुछ आज का लाइनअप था, थोड़े बहुत हम लोगों ने शॉट्स लिए हैं वो आपको मैं अटैच कर दूंगा इसी के साथ। लेकिन काफ़ी यार शानदार राइड हो गई, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत भी गई है बाइक में क्योंकि इसके वेल्ड्रॉक ने का जो एक वायर है वो निकल गया है, तो वो घर जाके मैं फिक्स कर लूँगा, बट देख सकते हैं ना कितना क्रेजी था आज का दिन। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक के, और आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, अगर कुछ ऐसा दिखता है जो मेरे को आपको दिखाना चाहिए तो वो ऑफकोर्स मैं दिखाऊंगा आप लोग को, बट इस ब्लॉग को यहीं तक के रखते हैं, मिलते हैं आप लोग को एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।